हमारा एहतजाज है, एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। एहतजाज तीन हमारे नुकात है। नंबर वन, जो इस वक्त हमारे कैदी इमरान खान और तमाम मिश्रा बीबी और दीगर के सियासी कैदी जो जेलों में हैं उसकी रिहाई। नंबर टू, जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है पूरे मुल्क में, इसके खिलाफ जो है ना आवाम ने निकलना है, अपना आवाज़ उठाना है। और नंबर थ्री, जो इस वक्त IMF के बजट की वजह से जो कि महंगाई का एक लहर दौड़ा है, जिस तरह बिजली की कीमतें में इजाफा किया गया है, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज इस वीडियो मैसेज के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को दावत दे रहा हूँ कि जुम्मे को हमारा अलायंस का तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हमारा एहतजाज है। एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। एहतजाज तीन हमारे नुकात है। नंबर वन, जो इस वक्त हमारे कैदी इमरान खान और तमाम मिश्रा बीबी और दीगर के सियासी कैदी जो जेलों में हैं उसकी रिहाई। नंबर टू, जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है पूरे मुल्क में, इसके खिलाफ जो है ना आवाम ने निकलना है, अपना आवाज़ उठाना है। और नंबर थ्री, जो इस वक्त IMF के बजट की वजह से जो कि महंगाई का एक लहर दौड़ा है, जिस तरह बिजली की कीमतें में इजाफा किया गया है, या जो पेट्रोल की कीमतें और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, और जो टैक्सेस लगाए गए हैं, इनके खिलाफ आपने निकलना है। मैं वकला, तलबा, किसान, मजदूर सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप सब ने निकलना है, और उस दिन जो है हमने यकजहती का मुजाहरा करना है कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, और इस मुल्क में जो महंगाई है, बदमनी है और लाकानूनीत है, और जो एक्स्ट्रा जुडिशल इकदाम है, उसके खिलाफ हम सब ने निकलना होगा। मुझे उम्मीद है जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में भरपूर तेजा होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।